किसी दुकान तो खल मिलती जे याद रखियो, किसी मकान किसी दुकान तो गुड़ मिल जाए, किसी दुकान तो चीनी मिलती है, किसी दुकान तो साबन मिलता है, किसी दुकान तो नमक मिलता है, लेकिन ऐ जड़ी दुकान जिस दुकान ते तुसी बैठे हो, कहने जी दुकान, मैं कहना भी हाँ दुकान, लेकिन जिस दुकान ते तुसी बैठे हो ते कौन मिलता है, ते खुदा और खुदा दा रसूल। लेकिन बिल्कुल मेरी गल गौर सुनो, अल्लाह का बंदा ताकि पिछे लोग दौड़ते रहे कि वह जनाब ने पहला अपना किरदार पेश कर दे। तमाम अंबिया इकराम ने, तमाम नबिया ने अपनी कौम के सामने अपना किरदार पेश किया, बल्कि मेरे मुस्तफा भी फरमा दे ने खानदान कुरैश सारा मुखालिफ है, फरमाते हैं कुरैश वालों अगर मैं कहा कि इस पहाड़ के पीछे लश्कर आ रहे हैं तो क्या तुम मन जाओगे? उन्होंने आख्या जनाब किरदार बड़ा बनाते असि जरूर मना गए। आपने फरमा हदीस पाक में आंदा अगर मैं आखा कि लश्कर आ रहे लेकिन लश्कर सामने नजर नहीं आता फिर मेरे किरदार के मुताबिक तुम की आखोगे? उन्होंने आख्या जनाब असि ये कभी भी ना आखेंगे कि माज अल्लाह मुस्तफा ने गल यही की थी, बल्कि असि आखेंगे कि असि अंधे हां तो असि उस लश्कर को नहीं देख सकते। अल्लाह के नबी ने अपना किरदार पेश किया, असि तुहाडे सामने दोवे भाई बैठे सर, असा तुहाडे सामने तुसी अपने ईमान ना गवाही दोगे, असा तुहाडे सामने अपना किरदार पेश किया। दाड़िया नहीं आईया तभी तोड़े बिच रहे, दाड़िया आईया तभी तोड़े बिच रहे, बुढ़े बुढ़े जानते रहे सारे है जी, दाड़िया आईया तभी तोड़े बिच रहे, जवानी आई तभी तोड़े बिच रही है जी, जनाब दाड़िया सफेद हुईया तभी तोड़े बिच रहे, लेकिन एक अफसोस है मैं गल करांगा सारे सारे की खिदमत चल रहे कि असा तो दाड़िया सफेद होने तक असि तुहाड़े विच रहे, तुहाड़ा किरदार पेश किया,
लेकिन साड़ियां दाड़ियां सफेद हो गई, तो दिल सफेद नहीं हुए, तो दिल सफेद नहीं हुए। मजा तो आवे कि पीर दे नाल अपने आप नूं बदलदा जा, मजा तो आवे। नहर बनती पई है, नहर विच लाल पानी है, थोड़ा जा खाले ते अगे टुर के गए ते बैठ के पानी सफेद है। जेन खलल च पै गया कि नहर विच तां सूहा पानी है, लाल पानी है, खाले चिट्टा पानी है। पता चलिया ते जनाब नहर पई बगदी है, लेकिन मोगे दा तल्लुक नहर दा नहीं, मोगे दा तल्लुक ट्यूबवैल दे नाल है। इस वास्ते ट्यूबवैल विचो सफेद पानी पे आंदा ते मोर नहर विचो लाल पानी पे वगदा है। मजा तो तावे के मुरीद दा तल्लुक अपने जनाब अली मरकज दे नाल है, है जी, मोगे दे नाल है। और जिस मुरीद दा तल्लुक अपने मोगे दे नाल रहंदा है, उस विच जनाब कद शैतान नहीं आ सकदा, कदी गैर नहीं आ सकदा। ख्वाजा दीन मोहम्मद चुराही जिन्हां नूं हजरत मुल्ला जी भी कहंदे ने, जिन्हां दी अख दी सफेदी विच इस्मे मोहम्मद लिखिया सी, और पूरी जना पूरी इंडिया विच पाकिस्तान विच कोई आदमी विखा नहीं सकदा कदे अख आपने अख खोली होवे, दिल आ पर मुंह अखा बंद ने, जिस वल आप दी अख खुल जांदी सी, जड़ा इसमें मोहम्मद नू वेख लैंदा सी जमाने दा वली बन जांदा सी। अमृतसर दे रसफ थके दे नहीं, भी जा के रवे बदले आई सुन दे पैर पिछे अखा बंद कर लो, जा के रवे है जी। ये घड़ी फिर किस्मत ना नसीब होती गई, ये रात साल तो बाद नसीब होती गई। इतने जागे तो मुकद्दर जागते ने, इतने जागे तो बस जागते ने, लेकिन वली करदार पेश करता है। अमृतसर के प्रोग्राम ते ने आप ट्रेन से तशरीफ फरमा रहे, गड्डी से तशरीफ फरमा रहे, एक हिंदू नौजवान को सामने आके बह जाता है, बंदा साहब एक किरदार हो गए, बंदा टाली थले बैठो में बेरी थले बैठो में, लेकिन उस बंदे नु डर कोई नहीं, उस पता है कि जो कुछ मैनू अता होना है खुदा दी तरफ अता होना है, जो कुछ मिलना है मेरे अल्लाह दी तरफ मैनू मिलना है। जनाब नौजवान ट्रेन दी लैटरीन भी जाता है, लैटरीन खराब है, वापस आया तो खड़ा होकर कहता है कितने अजीब लोग ने जड़े इस्तेमाल करते ने, तो उस बाद लैटरीन साफ नहीं करते। आप बैठे सन, आपने चादर नू दो टक किया, दो टक करके ऐ किरदार है, फिर साबे किरदार दे पिछे बंदा क्यों ना दौड़े। किरदार तो हुए कि जिसे देखन शक नहीं, जिसने बोलन भी शक नहीं, जिसने सुनन भी शक नहीं, जिसे जनाब अली देखन भी शक नहीं, जिसे टुरन भी शक नहीं, जिदे काम करन भी शक नहीं, जरा शक तो बिल्कुल पाक है। मन रानी फकत राय हक,
मैं तो यह साहब साहब यह किरदार साहब यह प्रोग्राम कि जरा मेरे सामने आ जाए मेरा मुस्तफा जरा मेरे सामने आ जाए उस खुदा याद आ जाता है जाके लैटरीन साफ किया यह किरदार साफ करके फरमान बेटा मैं तेरे वास्ते लैटरीन साफ कर दी है जा इस्तेमाल कर ले वो अंदर जाता वेखता है कि लैटरीन साफ आखिर लगा बंदा कौन है मैं तो आम गल की सी आम गल सुन के आके मेरी लैटरीन साफ कर ला पे लैटरीन इस्तेमाल करके वजू करके वापस जाता है कहता मैं थोड़ा किरदार देख रहा हूं दिले कहता कि मैंने तुम मुसलमान करके छो इन्हें छो किरदार साहेब किरदार किरदार शक रहा ही नहीं वो इतना बा किरदार है कि जिस उसको जानेगा तेन खुदा याद आ जाएगा तेन रसूल याद आ जाएगा कराची के सारे मेहमान हिंदू नस्ल के ने चनियोड़ के सारे मेहमान हिंदू नस्ल के ने लेकिन हिंदुओं का काफरा जनाब मंदिर की ज्यारत वास्ते जा रहे जिसे दरिया के किनारे ते पहुंचा तो दरिया भी टुकिया नहीं है ख्याल आया कद बिच गए तो मर जावे देखे तो सामने रोशनी नजर आई इतने रोशनी मिलती है इतने दिल में सुकून मिलता है इतने रोशनी मिलती है देखे रोशनी नजर आई कोल पहुंचे तो झोंपड़ी है झोंपड़ी में एक बा किरदार आदमी बैठे साहेब नजर आदमी बैठे आखिर लगे बाबा जी पार जाना सी तू यानी बड़ी है ते दिल कहता है कि थोड़ी झोंपड़ी देखो कोल ही अपना वक्त पूरा कर लगी रोशनी वक्त पूरा करिए फरमाया मेरे को आ गए हो तो फिर थानू मंदिर पार करने की लोड़ नहीं थानू दरिया पार करने की लोड़ नहीं तुसी बैठे रहो मैं मंदिर नू इशारा करना मंदिर मंदिर ना बनी दरिया तरदा तरदा थोड़े को आ जाएगा मंदर पारो उखड़ा उखड़ के दरिया की तू यानी टुटदा टुटदा फकीर की झोंपड़ी को आ गया आपने क्या सारे ज्यारत कर लो सारे ने ज्यारत कर ली फरमाया हूं थोड़ी इजाजत हो मंदिर नू पार भेज दीजिए मेहमान कह लगे जनाब हिंदू कह लगे जनाब हूं असर राज राज की ज्यारत कर ली हूं बेशक पार भेज दो आपने इशारा किया मंदिर पानी से टुटदा टुटदा फिर अपनी मंजिल तक जा पहुंचा आप एक सरगोशियां करते हैं यार ये कितना साहब किरदार है इसने साडे मंदिर नू इशारा किया मंदिर साडे कोल आ गया
फिर जाता कसा ज्यारत रखी थी, मंदिर तोड़िया नहीं, साढ़ को पूछ के इस मंदिर नु तोड़ भी देता है। इसको कोल तो जाइए, एक हो जाए जिसे कोल गए, जिसे किरदार वेख्या, आखे जी जरा कम तुसी कर दो, वो कम सानू भी दस दो। आप फरमाते ने मैं तो सिर्फ एक ही काम करना कि मैं कहना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आदम फिर सानू भी कलमा पढ़ा दो, लेकिन शर्त है वे थोड़े नबी का कलमा ता पढ़ांगे कि क्यामत तक साड़िया नस्लों में कभी रिजक खत्म ना हो। सुभान अल्लाह। दूसरी गल है कि क्यामत तक साड़ी नस्लों में कभी हुसन खत्म ना हो। मेहमान खानदान हुसन खत्म ना हो, रिजक खत्म ना हो। आप फरमाते ने मैं वादा करना कि थोड़ी नस्ल दर नस्ल दर नस्ल दर नस्ल कभी रिजक खत्म ना होगा थोड़ी नस्लों में, और कभी हुसन खत्म ना होगा। मैमन जिथे भी देखेगा, आज भी अमीर होगा, आज भी जनाब अली हसीन होगा। वजह की है कि सादे किरदार की नजर ने देख लिया, काया नु पलट करा देता। नजर विच कमाल है, निगाह विच कमाल है। पहले पहले जमाने विच बीमार हो जाए तो फक्की देंदे सन, ये फक्की ना जल्दी ठीक होवेगा। थोड़ी जी अकल ने होर तरक्की की थी, आख लगे जी फक्की ना देना आराम आता है, ये बूटियों का अरक कर लो, अरक ना जल्दी आराम आएगा। थोड़ी अकल ने होर तरक्की की थी, आख लगे जी फक्की ना भी देना आराम आता है, अरक ना भी देना आराम आता है। बेहतर है कि गोली बना लो, टेबलेट बना लो, टेबलेट ना जल्दी आराम आएगा। टेबलेट बना ली, कुछ अरसे तो बाद अकल ने होर तरक्की की थी, आख लगे जी गोली ना भी जल्दी आराम नहीं आता, बेहतर है किसी कैप्सूल बना दो। चलो जी कैप्सूल बन गया, कैप्सूल तैयार होया, कुछ जनाब अकल ने होर तरक्की की थी, आख लगे जी कैप्सूल ना देर ना आराम आता है, बेहतर है किसी टीका बना दो। टीका अंदर जाएगा तो आराम आ जाएगा, लेकिन टीका आके अपनी हद खो बैठा, टीका खत्म हो गया। मैं कहना जिथे दुनिया के सारे प्रोग्राम खत्म हो जाए, जिथे दुनिया के तमाम जराए खत्म हो जाए, उतो दुआ शुरू होती है याद रखो। Hey!
जवाब दे जाए, जिथे अरक जवाब दे जाए, जिथे गोली जवाब दे जाए, जिथे कैप्सूल जवाब दे जाए, जिथे टीका जवाब दे जाए, तुस अजमा के वेखे होगा क्यों भाई कई थोड़े बच्चे बैठे हो गए, जिथे टीका जवाब दे जाए, जिथे कैंसर का मरीज का इलाज हो जाए, जिथे काले जरकाम का मरीज का इलाज हो जाए, उथे की काम करते नहीं उथे दुआ काम आ जाती है। बटेरा तेरी महफल करे ते बटेरी तेरी आदत पाई जान, जिसे मर्जी उसे छुड़ा, जिसे मर्जी लड़ा दे, कबूतर तेरी महफल करे कबूतर तेरी आदत पाई जान, जिसे मर्जी बाजिया का बाज, जिसे मर्जी बिठा ले, कबूतर भी तेरी आदत पाई जान, बटेरे तेरी आदत पाई जान, मुर्गे बिच तेरी आदत पाई जान, मर्जिया तो लड़ा ले मर्जिया तो छुड़ा ले, मर्जी जनाबरी मुर्गे बिच तेरी आदत पाई जान, बटेरे तेरी आदत पाई जान, कबूतर च तेरी आदत पाई जान, टगे बिच तेरी आदत पाई जान, मर्जिया तो तू सलामी करा, मर्जिया तो सलाम तो हटा दे, उठ बिच तेरी आदत पाई जान, तू इंसान है उठ हैवान है उसे तेरी आदत पाई जान, मर्जिया तो तू सलाम करा, मर्जिया तो बिठा, मर्जिया तो तेना लता ते खड़ा कर दे, मर्जिया तो दुआ लता ते खड़ा कर दे, उसे तेरी आदत पाई जान, उठ तेरी आदत पाई जान, बंदर हराम है बंदर तेरी आदत पाई जान, बंदर मर्जी उतर नचा दे मर्जी उतर बिठा दे, बंदर तेरी आदत पाई जान, रिछ से तेरी आदत पाई जान, रिछ मर्जी उतर नचा दे मर्जी बिठा दे, यार मुर्गे बिच तेरी आदत पाई जान, पटेरे बिच तेरी आदत पाई जान, कबूतर बिच तेरी आदत पाई जान, बंदर बिच तेरी आदत पाई जान, उठ बिच तेरी आदत पाई जान, अगे बिच तेरी आदत पाई जान, अगे बिच तेरी आदत पाई जान, उठ बिच तेरी आदत पाई जान, तू किसी नेक बंदे दे कोल आके बह जाए तो नेक बंदे की आदत तेरे च आ जा। मेरा शेख इमाम रब्बानी मुजद्दद अलफसानी आप दिया रोटियां पकान वाला लाई, मैं कहना लांगरी, लांगरी का बड़ा मकाम है, लांगरी का बड़ा मकाम है, जिस तरह मौजन का मकाम है लांगरी का मकाम है, हां लांगरी 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 की बड़ी इज्जत है इस्लाम के विच, लंगर पकाने वाला लंगर पकांदा रहा, कोल गया खड़ा जनाब हज दे दिन आ गए ने, दिल कर दे हज करावा, फरमा फरमा पहले लंगर तो पूरा कर, लंगर तो पका, लंगर तो पूरा कर, फिर अगला साल आया तो फिर लंगर जनाब हज दे दिन आए, आखे जी दिल कर दे हज करा, फरमाया लंगर पूरा कर, फिर वापस चला गया, तीसरी बार नाई मां मेरे शेख जनाब सीढ़िया पे चढ़ते ने, चाहते ने कि मैं कान की छत टुट जावा,
देखा तो सामने नानवाई रोटी पे पकांदा है, फरमा छड़ दे आटा मेरे पीछे आ जा। जनाब आटा छड़ के तो दूर थे पीछे आ गया, आ फरमादन मेरे पीछे पीछे टुरदा, पीछे पीछे सीढ़ियां ते चढ़ता गया, जिसे आप छत पे पहुंचे नारवाई भी छत पे खड़ा हो गया। फरमा सामने पे व्यक्ति और की पे नजर आंदी, वो तो निगाह निगाह ना देखा के पिला दिंदे। सामने में की पे नजर आंदा है, आख जी लोग खाना काबा दे तवाफ पे करदे ने, काबा दे तवाफ पे करदे ने, आपने सज्जे मोंडे ते हाथ रखे फरमा जा तुम यूं देशा में रो जा। नतीजा कि अपनी नमाज नू गैर तो पाक कर, अपने जिक्र नू गैर तो पाक कर, तू सिर्फ अपने आप नू अल्लाह के हवाले कर दे, फिर दुनिया वाले देखे कि दुनिया मैनू मिलेगी कि नहीं। ये मैं कहना तारीफ ही करते कि तू रब दा हो जा, रब तेनू ना देवे कभी हो नहीं सकता। पहले तू अल्लाह दा हो तो सही, तू परेशान क्यों है, तेरे सुकून क्यों नहीं, ये जिसे तू जनामरी अल्लाह के दरवाजे तो दूर है तो बेसकून है, लेकिन अल्लाह के दरवाजे से ठहर जा, मुकम्मल ठहर जा, है जी मुकम्मल ठहर जा। जुबानी जुबानी नहीं, मैं जुबानी कुछ चीज भी नहीं मानता, मेरे अंदर एक अल्लाह ने जी मशीनरी ला दी है जो किसी के अंदर आए नहीं, तो मैं इंशाल्लाह सारा प्रोग्राम बंदे का देखता रहना बोलता पे की है ते दे पीछे की है, ये किसी को भी नहीं, ये सिर्फ अल्लाह ताला ने मैं अता फरमाया। बंदे नु पहचान जाना, मेरा बंदा गल पे करता हो तो मैं सोचना भाई ये पीछे की है, ये गल विच हक कितना है, मुबालगा कितना है, यकीन जाओ मेरे पता लग जाता है, मेरे तक जिस गल पे करता तो मेरी टेप अंदर लगी हो, मैं खुद बखुद ही जरा मेरी टेप अंदर पी जाती है, और मैं देखना भाई ये जरा बंदा पे बोलता है मेरे सामने, ये गल विच हकीकत कितनी है, मुबालगा कितना है, मुबालगा ज्यादा होता तो हकीकत थोड़ी होती जी। प्रोग्राम है कि तुम इतने आयो तो यह ना जा समझो कि मैं असि खाली टुट जावे। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट विच बंद ने, बड़ी कोशिश की लेकिन मछली के पेट चो बाहर ना आए, आखिर पर आयत करीमा की तिलावत की थी, ला इला इल्ला अंता सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन, मछली का पेट चीरा गया, मछली का पेट चीरा गया, अल्लाह का नबी बाहर आ गया,
साबित की होता है कि जिसे मुसीबत और सारे तुसी दुनियादार बैठे हो दुनिया के थके आज आके थे बह गए मेरे को है जी दुनिया का सारा साल दुनिया पिछे दौड़ दौड़ के है जी थके अके जनाबाली हुआ आके तुसी मेरे को बैठे हो ते जिसने दुनिया में फस जा दुकान काम नहीं करती दुकान से जनाबाली गाहक नहीं आता दुकान बंद है औलाद नहीं होती बीवी नू अठरा है बच्चे मर जाते ने रिजक नहीं आता रिजक की तंगी है रिजक बंद है फसल नहीं होती दुनिया के किसी मुकदमे जकड़े है मुकदमे चो नहीं निकल सकता ते अर्ज है कि दुनिया की किसी मुसीबत जकड़े है दुनिया के किसी जाल च फसे है अज हर आदमी जाल च फसे है दुनिया के किसी जाल च फसे है तो सुबह की नमाज तो बाद 500 बार आयत करीमा पर इशा की नमाज तो बाद 500 बार आयत करीमा पर सारा जाला चो निकल जाएगा सुन लो मेरी धियां बैठिया ने मेरी भैन बैठिया ने याद रखो आज करीमा का वजीफा करो 500 बार सुबह 500 बार शाम दुनिया की कोई तकलीफ लेने ही ना आएगी लेकिन तोते वांगो नहीं दिल की गहराई भी जाके पढ़ना वो पढ़ना कि जरा रब मेरा पे सुनता है रब मेनू वेखता पे अगले साल मैं कल के वजीफा 500 बार सुबह 500 बार शाम मैं आके कोई दस भी सकता है शिकायत भी कर सकता है कि जनाब तुसो वजीफा दस असी से मेरी मुसीबत टली नहीं कभी हो सकती नहीं कि मुसीबत रट है कि जड़े कहते जनाब रिजक भी तंगी है रिजक नहीं मिलता कमाई में बरकत नहीं परेशान हाल तो मैं कहना याद रखी मेरा नबी मेराज गया मेरा नबी फरमाता है मैं जिसे रब दे खजाना दे अगो गुजरा खजाना दे गेटा ते लिखा सी ला हौला ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम जड़ा जड़ा आखता कि मैनू रिजक नहीं तंगी है मेरा हाथ तंग है मैनू रिजक नहीं मिलता वो सुबह की नमाज तो बाद तीन तस्बीहां ला हौला ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम और इशा की नमाज तो बाद तीन तस्बीहां ला हौला ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम रब्बे कायनात उसते जनाब अली अपने खजाने के गेट खोल देगा
सारे दोजानों के बह जाओ, मैं थोड़ा काफी टाइम ले रहा जी। सारे दोजानों के बह जाओ, दुआ होने लगी थे हूं तमाम प्रोग्राम का नचोड़ दुआ। जिन्हें सिर से कपड़े नहीं, नाल आले को कपड़ा मांग लो, दोजानू होके बह जाओ। अज अल्लाह की रहमत फाठा मार रही है, ते मैं अल्लाह के हजूर चोलियां फैला लो। अल्लाह के हजूर जनाब हाथ फैला लो और मैं दुआ करांगा। तुसी आमीन आमीन करते जायो जी, लेकिन बड़ी आजी ना दुआ मंगनी है, इनकसारी ना दुआ मंगनी है। मैं अक्सर कह रहा हूं ना, मैं तुम्हें रवाना नहीं चाहता। तुम आओगे शायद पीर सानू रुलाना चाहते हैं, रोवो तो अपनी मर्जी ना रोना है, नहीं रोना तो अपनी मर्जी ना रोना है। मेरे तो एहसान भी नहीं करना है जी। ये समझो यार, पीर रोवे तो पीरा तो एहसान हो जाएगा, न रोवे तो पता नहीं की हो जाएगा। सारा ने अपने अपने अमल पेश करने ने, सारा ने अपने अमल खुदा की बारगाह हाजिर होकर पेश करने ने। इस वास्ते काबे वाल मुंह कर लो, दुजानू होके अपन चूड़ियां फैला के, अपने हाथ फैला के, नहायत आजिज़ी इनकसारी दे नाल मेरे अल्लाह दे हजूर होके ते दुआ मंगनी है, ताकि साड़ियां दुआवां दा पाक कबूल फरमा दे। दुआ विच अपना ख्याल सामे रखियो, एक दुआ जरूर सामे रखियो, ताकि दुआ बार बार जिससे टकराए दुआ कबूल होती है। आंसू वग जाए तो दुआ कबूल हो जाती है। दुआ दे दो पर ने, एक पर आंसू है, एक पर यकीन है। जिस दुआ विच दो चीजा मिल जाए, आंसू मिल जाए, यकीन मिल जाए, तो फिर कभी ख्याल भी ना करी कि मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, फिर लाजमी दुआ कबूल हो जाती है। मैं दुआ मंगागा तो पीछे आमीन आमीन करते जायो। आमीन। कायनात के मालिक, आज शुक्र है कि तेरी बारगाह में सानू इकट्ठा होके इबादत का मौका मिले। मालिक करीम, आज असि अपनी अपने गुनाह लेके तेरी बारगाह च हाजर हाँ, अपनी खतावा लेके तेरी बारगाह च हाजर हाँ, अपने गुनाह लेके तेरी बारगाह च हाजर हाँ। मालिक साढ़े गुनाह माफ फरमा दे, मालिक साढ़िया खतावा माफ फरमा दे, मालिक साढ़िया भुला माफ फरमा दे। मालिक कितने असी बेखबर इंसान आ, सुबह तो लैके शाम तक, शाम तो लैके सुबह तक तू सानू करोड़ा हा नेमता तो नवाजे, लेकिन कायनात दे मालिक सजदा शुक्र की असा कलमा शुक्र तक भी अदा ना किया। लेकिन मेरे मालिक तू कितना रहीम रब है, कितना करीम रब है, कि कायनात दे मालिक कितने गुनाह वाले वेख की भी सानू तू अपनी बारगाह च हाजिर कर लिया। अज असी खालिस ईमान लैके, खालिस दिल लैके तेरी बारगाह च हाजिर हाँ। मालिक करीम, अज तेरे इतराफ दे सजदे ने, अज तेरी नवाजत दे सजदे होंगे, अज तेरे करम दे सजदे होंगे, अज तेरे हुसन दे सजदे होंगे, अज तेरे जमाल दे सजदे होंगे। मालिक करीम अज साडे सजदे नूं अपनी बारगाह च कबूल फरमा लवे। साल भर असा नमाजा नहीं पढ़िया, रोजे च कोताही कीती, गलतियां कीतियां, गुनाह कीते, अपने सब कुछ गुनाह लै के अज तेरी बारगाह च हाजर हाँ। मालिक करीम साढ़े गुनाह माफ फरमा दे, तेन गुंबद खिजरा दा वास्ते, तेन आमना दे लाल दा वास्ते, तेन आमना दी गोद विच बैण वाले दा वास्ते, तेन मक्के दी गली विच नंगी पैरी टुरन दा वास्ते, तेन अली दे वीर दा वास्ते, तेन सदीक दे यार दा वास्ते, तेन उस्मान दे महबूब दा वास्ते, तेन फारूक दे महबूब दा वास्ते, तेन हसनैन दे नारे दा वास्ते, तेन फातमा दे बाप दा वास्ते। या अल्लाह, तेन फातमा दे बाप दा वास्ते, तेन हलीमा दी बकरियां चढ़ाण वाले दा वास्ते, तेन गारे हिरा विच साडे वास्ते पत्थर खाण वाले दा वास्ते, ताइफ दे मैदान विच पत्थर खाण वाले दा वास्ते, गारे हिरा विच रोण वाले दा वास्ते, मदीना दे जज दा वास्ते, मक्का दे इमाम दा वास्ते, अरशा दे जान वाले दा वास्ते। मालिक साडे गुनाह माफ फरमा दे, साड़िया खतावा माफ फरमा दे, साड़िया भुला माफ फरमा दे,
ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਾਤ ਮੁਸਤਕੀਮ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਾਡੇ ਅਮਰਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖੀ ਸਾਡਾ ਗੁਨਾਹ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖੀ ਆਪਣੀ ਰਹੀਮੀ ਤੇ ਕਰੀਮੀ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਮਾਲਿਕ ਕਰੀਮ ਅੱਜ ਮੱਡੀ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਰ ਤੇ ਨਾਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਮੱਡੀ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਰ ਤੇ ਫਖਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਨਸੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਲਿਕ ਕਰੀਮ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ ਔਲਾਦ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੱਤਾ ਲੇਕਿਨ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਅਸਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਸਾਂ ਹਰਾਮ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਰੋਂਦੇ ਕਿ ਔਲਾਦ ਨਾ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਦੀਨ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਨਾ ਕੀਤਾ ਮਾਲਿਕ ਕਰੀਮ ਤੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਲੇਕਿਨ ਇੱਜ਼ਤ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਮਾਲਿਕ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮਾਲਿਕ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਮੁਕੱਦਰ ਤੇ ਨਾਜ਼ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਨਾਬਰੀ ਮੁਕੱਦਰ ਤੇ ਨਾਜ਼ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਨਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹਿਣਾ ਨਸੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਲਿਕ ਕਰੀਮ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਮਲ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਰ ਅਮਲ ਸਾਡਾ ਰਿਆਕਾਰੀ ਦਾ ਅਮਲ ਸੀ ਨਮਾਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਰਿਆਕਾਰੀ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਸੀ ਰੋਜ਼ੇ ਸਨ ਤੇ ਰਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਸਨ ਜ਼ਕਾਤ ਸੀ ਰਿਆਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਕਾਤ ਸੀ ਸਦਕਾ ਸੀ ਰਿਆਕਾਰੀ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੀ ਰਿਆਕਾਰੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਤੂੰ ਰਹੀਮ ਤੇ ਕਰੀਮ ਰੱਬ ਹੈ ਯਾਰਾ ਕਰੀਮ ਸਾਡੀ ਰਿਆਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੇਕੀ ਚ ਬਦਲ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਾਡੀ ਰਿਆਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੇਕੀ ਚ ਬਦਲ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਫਰਮਾ ਦੇ ਸਕੂਨ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ ਦੇ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੂਨ ਮੈਂ ਦਿਲ ਮੈਂ ਈਮਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਖੂਨ ਸਾਡੀਆਂ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਦਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖੂਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਮਾਲਿਕ ਪੂਰੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਮਾਲਿਕ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਾਤ ਮੁਸਤਕੀਮ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰਾਹ ਦੱਸ ਦੇ ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਮਾਲਿਕ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਅਸਾਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਾਹਕ ਬਣਾ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਤੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਿੱਤੀ ਫਸਲ ਦਿੱਤਾ ਲੇਕਿਨ ਉਸਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰਾ ਕਰੀਮ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਇਮਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਕਸਾਬ ਬਣ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਯਾਰਾ ਕਰੀਮ ਤੂੰ ਪਟਵਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਅਸਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਫਰਮਾਨ ਨਿਕਲੇ ਮਾਲਿਕ ਕਰੀਮ ਤੂੰ ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਗੈਰ ਦਾ ਨਚੂਰ ਗੈਰ ਦਾ ਖੂਨ ਨਚੋੜਿਆ ਗਰੀਬ ਦਾ ਖੂਨ ਨਚੋੜਿਆ ਯਾਰਾ ਕਰੀਮ ਫੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਯਾਰਾ ਕਰੀਮ ਅਸਾਂ ਦੌਲਤ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਈਮਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਈਮਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਮਾਲਿਕ ਕਰੀਮ ਦਿਲ ਚ ਦੁਆ ਵੀ ਖਿੜਕ ਖੜਕਦੀ ਗਏ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਕਰੀਮ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਬੂਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਬੂਲ ਦੁਆਵਾਂ ਕਬੂਲ ਸਾਡੇ ਸੱਜੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਬੂਲ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਕਬੂਲ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਫਿਕਰ ਕਬੂਲ ਯਾਲਾ ਕਰੀਮ ਵਾਲੀਆਂ ਇਬਾਦਤਾਂ ਕਬੂਲ ਯਾਲਾ ਕਰੀਮ ਇਸ ਤਮਾਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਿਲਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੌਲਾ ਕਰੀਮ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਕਿਆਮਤ ਆ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੱਖੀ ਕਿਆਮਤ ਆ ਦਿਨ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਉਠਾਈ ਮਾਲਿਕ ਸਾਡੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਸਾਡੇ ਅਮਲਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਆਪਣੀ ਰਹੀਮੀ ਤੇ ਕਰੀਮੀ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਬਦਨਸੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਸਾ ਜਨਾਬ ਮੋਟਰ ਵੇ ਬਣਾਏ ਹਾਈਵੇ ਬਣਾਏ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਬਣਾਏ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੋਟਲ ਬਣਾਏ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਕਿਤਨਾ ਮਰ ਬਦਨਸੀਬ ਕਿ ਕੋਈ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਤਹਿਸੀਲ ਸਤਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਸਤਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸਾਫਰ ਖਾਨਾ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੇ ਕੋਈ ਯਤੀਮ ਖਾਨਾ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੇ ਕੋਈ ਬੇਵਾ ਖਾਨਾ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੇ ਮਾਲਿਕ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਯਾਰਾ ਕਰੀਮ ਸਾਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਅਕਲ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਜ਼ੇਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਈਮਾਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਦਿਲ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਜਿਸਮ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਯਾਰਾ ਕਰੀਮ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਾਤ ਮੁਸਤਕੀਮ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਆਰਜ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸਤਿਕਾਮ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਈ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸਤਿਕਾਮ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ
निकाय बात तो बचा के रखी। पाकिस्तान दिया सरहदा दा तू माफ मुहाफिज है मौला करीम, पाकिस्तान दिया सरहदा दी हिफाजत तू फरमाई। मालिक असी गुनाहगार असी गरीब लोग पाकिस्तान नु किस तरह बचा सकते हैं, ये सिर्फ तेरी रहमत है, तेरी करीमी है, तेरी रहीमी है के मौला करीम पाकिस्तान नु नजर बातों बचा के रखी, दुश्मन नु पीछे हटा के रखी, पाकिस्तान नु फतह नसीब फरमाई। मेरे अल्लाह पाकिस्तान कश्मीर दे मामले दुश्मन ना लड़ाई कर रहे हैं, पाकिस्तान नु फतह नसीब फरमाई। वसल्लल्लाहु तआला अला हबीबी मोहम्मद व आला आलिही व सहाबिही अजमईन या अरहमर राहिमीन। और इंशाल्लाह उस वादे जरा प्रोग्राम जनाब नु पता है ना के जिन्हां नु पिछले साल जिन्होंने वादा किया सी किसी दाड़िया रख के आवांगे वो अपने अपनी जगह ते खड़े हो जाए, जिन्हें दाड़िया रखे जड़िया नहीं रख के आए वो भी इरादा कर लो कि अगले साल दाड़ी रख के आवांगे। यार बगैर दाड़ी तो कुछ भी नहीं होता, एवं तमाशा ही होता है जी। रोजाना शेव करा दो, ब्रेड के पैसे भी जाया कर दो, क्रीम के पैसे भी जाया कर दो, अगले दिन फिर दाड़ी मूह आई होती है जी। पता ही नहीं लगता जिन्हें दाड़िया मुछ साफ हो दिया, पता ही नहीं लगता कि बुढ़ी कहड़ी है मर्द कहड़ा है जी। इस वास्ते अपने जनाब जिन्हें जड़े दाड़िया रख के आए ने वो भी खड़े हो जाओ, इनाम तकसीम होने लगा। जिन्होंने जरा वादा कर लो बड़ी पाक महफल दे वादा कर लो कि अगले साल दाड़ी रख के आवागे वो भी खड़े हो जाओ ताकि टोपियां मिल जाते तस्वीर मिल जाए। संगी जरा संघिया ने रुमाल रुमाल दिया तस्वीर भरी ने है जी, थले उतर जाओ अगे चले जाओ ना एक बार ही खड़े हो जाओ। जिन्होंने पिछले साल वादा किया सिगरेट ना पीवांगे जरा सिगरेट छड़ के आए ने जी वो भी खड़े हो जाओ, तो वायदा कर लो जड़े पीते ने वो भी वायदा करो कि अगले साल सिगरेट ना पीवांगे है जी। सिगरेट बड़ा नुकसान दे, इस तरह जरा बड़ी कैंसर हो जाता जे सिगरेट पीना, कैंसर भी हो जाता है मेरे को मरीज आते ने कैंसर भी हो जाता जे सिगरेट के पैसे भी जाया होते ने, अपनी औलाद का पैसा जाया कर सिगरेट से लेंदे हो। इस वास्ते सिगरेट जिन्होंने छड़ने ने वायदा कर लो कि जनाब अज तो बाद सिगरेट छड़ देवांगे बिल्कुल सिगरेट ना पीवांगे वो भी खड़े हो जाओ। तो जिन्हें नमाज तहज्जुद साल भर कजा नहीं हुई बिल्कुल तसल्ली नाल तहज्जुद बाद जिसकी तहज्जुद कजा नहीं वो भी खड़े हो जाओ ताकि एक बार सारा इनाम मिल जाए जी। बिस्मिल्लाह जी इनाम तकसीम करने शुरू कर दो, तस्वीरें दो जी, ट्रॉफियां दो जी, कोई बंदा खाली ना रहे पीछे पीछे टुर जाओ। अपन जेबा भी बचाओ, मोबाइलों का ख्याल रखो, ये राश में चोर का भाव है, जेबा भी बचा के रखियो, अपने मोबाइल भी बचा के रखियो। हूं भी रश है तो सुबह फिर गांव वाले रश हो रहा है जी, फिर बड़ा नुकसान हो जाता है। मोबाइल जे हाथ में रख लो, जेबा से हाथ रख लो ताकि जरा मतलब कोई जेब कुदरा थोड़े नजदीक ना आ सके। बार बार मैं रिस्पेक्ट करना कि अपनी जेबा का भी ख्याल रखो, मोबाइलों का भी ख्याल रखो, मोबाइल हाथ ही फड़ लो, जेबा से हाथ रख लो, जेब कुतरे थोड़े नाल पे फिरते जे ताकि कोई जेब कुतरा नुकसान ना कर सके। सुबह फिर शिकायत ना करो पी जी साढ़े पैसे निकल गए। राम नाल राम नाल रामनाथ तस्वीर लगो रामनाथ।